को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट दो केसेस भी डाले हैं, एफआईआर बुक हुआ उनके ऊपर, एफआईआर बुक हो गया है, तो उनको अरेस्ट किया उनको। अरेस्ट कर लिए उनको, अरेस्ट के लिए जेल में है वो अभी। लेकिन मेरे को यहाँ पर मीडिया में आके बोलने की वजह सिर्फ ये है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि मुझे सही से सही अच्छा जस्टिस कर सके, और नेक्स्ट टाइम ये बंदा या मेरे को क्या किसी और को भी इस तरीके से ना कर सके, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लड़कियों को इस तरीके से टॉर्चर कर चुका है जो मेरे पहचानत में है, लेकिन वो बस इज्जत के खातिर और कुछ फैमिली रीजंस के खातिर वो लोग पब्लिक में आ नहीं सके। अब मेरा मतलब मेरा पब्लिक में आने आके उसके अगेंस्ट बोलने का मतलब मकसद ये है कि मैं बर्दाश्त नहीं करी और मेरे करियर पे मेरे इफेक्ट हो रहा है, फैमिली में इफेक्ट हो रहा है, तरह तरह के सवाले कर रहे हैं। मैं तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर, कांग्रेस यूथ का अपना लीडर बता लेता है, पता नहीं वो उसके अपडेट से मालूम होता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो हर बार खाली किसी ना किसी के खाली पार्टीज में दिखता है, वो खाली फंक्शंस में दिखता है खाली, ऐसा तो खुद की कभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज नहीं करा है वो। बस मेरा रिक्वेस्ट है सब पुलिस डिपार्टमेंट से के कमिश्नर साहब से कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, और इसके जैसे काफ़ी बंदे होंगे शायद जो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, जो उन लोग को बढ़ावा ना मिले। और मैं और रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि इसने मुझे इतना टॉर्चर किया है, मुझे मेरे पास बहुत सारे सबूत है जिस तरीके से उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है, अगर ये चीज़ आगे इस तरीके से उन्हें करते रहा बस मैं है ना मैं बस सुसाइड ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं, और उसका जिम्मेदार ये मौजम मिर्ज़ा मौजम बेक रहेगा। बस आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरा सही से सही जस्टिस कर दें। मेरा नाम रेहाना है और शहनाज हुसैन। देखिए मैं आज लंगर हाउस पीएस में कंप्लेन कर रही हूँ अगेंस्ट ये मिर्ज़ा मौजम बेग के खिलाफ, जो मुझे आज से 6-8 महीने से मेंटली टॉर्चर कर रहा है फेसबुक के ज़रिए। इनसे मुलाकात मेरी देखिए कुछ ना पार्टीज़ में हुए, जो मैं इवेंट ऑर्गेनाइज बिलोंग्स करती हूँ मैं, इन्होंने मेरे पार्टीज़ में आकर उन्होंने मेरा मतलब मेरा रेपुटेशन वैसा देख के इन्होंने मेरे सामने एक प्रपोज़ल रखा था अपना कि आपको है ना आगे बढ़ना है तो आप मेरे साथ रिलेशन में आ जाइए, आपका नाम हो जाएगा। मैंने उनका रिजेक्ट कर दिया, उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे उसके बाद फेसबुक पे टोटली मेंटली टॉर्चर जैसे है ना अपडेट्स कर रहे हैं कि मेरे बारे में गैर गलत बातें कर रहे हैं उन्होंने, जिससे मुझे है ना मतलब सिर्फ इस वजह से कि मैं उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ, और सब लोग को मेरे बारे में गलत सलत बात कर रहे हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करके आज मैं कंप्लेन कर डाली मैं। तो आप आज कंप्लेन करने की क्या वजह है आपकी? आज कंप्लेन करने की वजह मेरी ये है कि मैं जब है ना 6 महीने पहले ना जब मेरे को पब्लिकली पोस्ट करके हरासमेंट कर रहे थे, गैर गलत बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने मेरे बड़ों के सामने रखी ये बात, तो उन लोग ने मुझे समझा दिया कि वो लोग उनको समझा लेके खामोश बैठा देंगे, मत एक्शन लो क्योंकि कीचड़ में पत्थर डालने से बेहतर है अपन खामोश बैठ जाना। उस टाइम मैंने खामोश बैठ गया है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है पब्लिकली पोस्ट बंद करके मेरे इवेंट्स पे आके लोगों से मिलके मेरे बारे में गैर गलत बात कर रहे हैं कि क्यों बुलाया जा रहा है इनको, ये ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, एक तमाशे कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरे इवेंट्स पे इफेक्ट हो रहा है मेरे को। मैं देखिए कोऑर्डिनेशन करती हूँ, इवेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजर हूँ मैं कहाँ पे जॉब करते हैं आप? मैं जॉब तो अभी बस मैं करती हूँ, साइड बिजनेस मेरा इवेंट मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट्स करवाती हूँ मैं। तो इन्होंने आकर वहाँ पर लोग से मिलके बड़े बड़े लोग हैं वहाँ आते हैं, रेपुटेड लोग आते हैं, और लोग से मिलके मेरे बारे में गैर गलत बात बोली जिससे मुझे अगेंस्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर भी मैं टॉलरेट कर रही थी लास्ट 2 मंथ से। लेकिन इन्होंने 5 दिन पहले क्या हरकत किया है, किसी को इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे है ना मेरे बारे में गैर गलत बात बता दिया। मैं आपको शो करूँगी एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया है मेरे बारे में जैसा कि पब्लिकली पोस्ट कर रहे थे और लोगों से मिलके मेरे बारे में बोल रहे थे वो सब इनबॉक्स में बोल दिए, जिस जो मुझे मेरे मतलब फैमिली फ्रेंड है उसमें लोगों में हाथ को लग गए वो स्क्रीनशॉट, ये सब गैर गलत बातें लग गए। मैं इस बार खामोश इसलिए नहीं बैठी क्योंकि हद हो गई थी, अगर मैं बस ये सब चीज़ें रोकने के लिए मुझे यही समझ में आया कि सही एक्शन ये होगा कि पुलिस वाले ही मुझे सपोर्ट कर सकते। तो आप पुलिस में कंप्लेंट करें? हाँ मैं लंगर हाउस पीएस में सपोर्ट कंप्लेंट करी मैं, वो